ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के पहले मोबाइल मोटो व्लॉगिंग वीडियो में। और अभी मैं निकला हूँ थोड़ा घर से बाहर, क्योंकि आज ही हम एक्चुअली आए हैं इस घर से। तो अब शाम को तो करने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो चलो थोड़ा हम सोचे निकल गए, थोड़ा ये मोटो व्लॉगिंग के सेटअप को भी देख लेते हैं कि कैसे काम करता है। एम्बियंस लाइट हालांकि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, और कसम से यार हम बता रहे हैं घर से वापस आने के बाद, मतलब जैसा लग रहा है इतना मनहूसिया टाइप का, मतलब फीलिंग होता है ना, मरा मरा जैसा लगता है। मतलब तुम समझ लो कि मतलब तुम्हारे बॉडी में जान नहीं बचा है कुछ भी, क्योंकि तुम घर में जब रहते हो ना यार, तो ऐसे एकदम महाराजा के जैसा तुम्हारा मतलब ये होता है, ट्रीटमेंट होता है कि सुबह उठो, ठंडा का दिन अभी चल रहा है तो फर्स्ट क्लास एकदम बॉयल अंडा मिल गया, ठीक है। और फिर जब हल्का सा ब्रश व्रश करके तुरंत नाश्ता वास्ता मिल गया, उसके बाद चले गए महाराजा साहेब खेलने के लिए, और खेल के आए तो माँ बदौलत के आगे बढ़िया सा एक लंच परोस दिया गया, बढ़िया से लंच कीजिए, उसके बाद जहाँ अपना 15 मिनट का रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर से अगर प्लान बना तो खेलने चले गए, वरना फिर प्लान बना तो कोई मूवी देख लो। तो घर का लाइफ यार तो समझ लो ना घर ही का जैसा है ना, इसीलिए तो हम अपने दोस्तों को बोलते हैं कि भाई 10,000 रुपये कम कमाना, लेकिन साला घर से नहीं कमाना, घर से बाहर मत निकलना भाई, कि ज़िंदगी झंड हो जाती है बाहर में। तो खैर आज हम एक दिन पहले घर से आ गए थे, आज मेरा छुट्टी था, आज तक मेरा छुट्टी अप्लाइड था, तो इसलिए एक दिन पहले आ गए हैं, क्योंकि हमको बहुत थोड़ा मोटा काम था कि रूम साफ़ करना पड़ता है, उसके बाद फिर बाइक सर्विसिंग डिले था, तो आज हम बाइक सर्विसिंग भी करवा लिए। तो बाइक सर्विसिंग के रिलेटेड बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन रहता है कि पहला सर्विसिंग में कितना पैसा लगता है या फिर कितना चार्जेज बनता है, बहुत सारा मतलब लोग सोच वीडियो सर्च करते हैं ऐसा। हमको भी पहले बहुत ज़्यादा डाउट था कि पहला सर्विसिंग में कितना पैसा लगता है। देखो अपाची या फिर कोई और भी बाइक लो, ऑल ओवर इंडिया में बाइक सर्विसिंग का रेट फिक्स करता है 3 फैक्टर। हमारा पहला फैक्टर है लेबर चार्ज, वो कितना चार्ज करेगा, तो ऑल ओवर इंडिया ये चेंज करेगा। इंडिया ये अपना चेन्नई में है, ये 550 से लेकर 800 तक है। अगर तुम यही नॉर्थ में जाओगे हमारे तरफ 200 रुपया 250 रुपया है, दिल्ली तरफ जाओगे तो थोड़ा महंगा होगा। तो ये पहला फैक्टर है लेबर चार्ज। दूसरा फैक्टर है ऑयल, जो कि कांस्टेंट है, अगर इंजन ऑयल आप चेंज करोगे तो ऑल ओवर इंडिया में आपको मतलब ब्रांड कर देख के देखा जाए तो सारे ब्रांड का ऑलमोस्ट बाय एंड लार्ज सेम प्राइस ही रहता है, कोई खास डिफरेंस नहीं रहता है, ठीक है। तो दूसरा वाला फैक्टर आपको कांस्टेंट हो गया, और तीसरा फैक्टर आपका है स्पेयर पार्ट। आपके पास आपने अपनी गाड़ी में क्या क्या स्पेयर पार्ट लगाया, फिर कोई प्रॉब्लम हो गया गाड़ी में, तो कुछ ख़राब हो गया तो उसको चेंज वेंज किया, तो इससे एक कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब चूँकि ये मेरा पहला सर्विसिंग था और बाइक में कुछ खास प्रॉब्लम वॉब्लम नहीं देखने को हमको मिला, तो इसीलिए मेरा ज़्यादा खर्चा हुआ नहीं, सिर्फ हम ऑयल चेंज करवाएँ और हम ड्राइवर को मतलब मैकेनिक को बोले कि भाई तुम चला के देख लो, अगर तुमको कुछ समझ में आता है तो कर दो, तो वो हमको बोला कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है करके, तो सिर्फ और सिर्फ ऑयल चेंज हुआ। तो 1 लीटर 200 मतलब 1.2 लीटर का आप ऑयल लगता है इसमें, 1 लीटर 200 मिलीलीटर, तो इतना ही ऑयल लगता है। तो इतना ऑयल लगा तो उसका 590 रुपया हुआ। हालांकि अगर मतलब आप देखोगे ना ऑयल का जो प्राइस है, बेसिकली जो डब्बा में दिया है ना, तो उसमें आपको कितना लगेगा पता है, 459 रुपया था लिखा हुआ, ठीक है, 1 लीटर का। उस हिसाब से वही रेट के हिसाब से अगर कैलकुलेट करोगे तो बाकी के 200 ग्राम का लगेगा 90 रुपये का अप्रॉक्स, ठीक है। तो कुल मिला के 459 प्लस 90 मतलब 550-60 के अप्रॉक्स पड़ना चाहिए था, लेकिन ये लोग 590 रुपया लिया था। हालांकि छोड़ो, हम ज़्यादा भास भास नहीं किए, मतलब जाओ यार ठीक है, छोटा मोटा स्कैम ये लोग करते रहते हैं लोग, दुकान वाले लोग, तो इसीलिए हम बोले चलो ठीक है रहने तो कोई दिक्कत नहीं। तो 590 का टोटल बिल बना और वही फाइनल बिल था, और हमको कुछ एडिशनल खर्चा इसमें नहीं लगा, और गाड़ी अभी स्मूथ ही चल रहा है, कोई इशू नहीं है, और बस बस इतना ही है। पहला सर्विसिंग में आपको सिर्फ ऑयल चेंज करना पड़ेगा, आधा घंटा का काम है, वॉशिंग होगा उसमें आपको 20 मिनट लग जाएगा बस, इससे ज़्यादा और कुछ काम ही नहीं है। हम गए 10 बजे, 11:30 बजे गाड़ी लोड किया, 12:30 1 बजे तक मेरा गाड़ी क्लियर हो गया। यही अगर हम लोग ये अगर हम लोग कहीं और करते करवाते ना, यहाँ पे देखिए एक दिन का वेटिंग टाइम ले लेता है यार, तो इसलिए हम शनिवार को ही मैसेज कर दिए थे शोरूम वाले को, भैया ऐसा है हमको अपनी गाड़ी सर्विसिंग करवाना है और प्रायोरिटी हमको पहला चाहिए, क्योंकि एक बार मंडे मेरा क्रॉस हो गया तो हमको ट्यूजडे से ड्यूटी ज्वाइन करना पड़ेगा, और उसके बाद हमको घंटा कहीं फुर्सत नहीं है। सैटरडे शनिवार को सिर्फ लंच के बाद हमको टाइम मिलेगा, जो कि
अवॉइडेबल एक्सेप्टेबल नहीं है, इसीलिए वो उसको हम पहले ही सारा अपॉइंटमेंट क्लियर करके रखे थे और हम सुबह पहुँच भी गए थे, जिससे कि मेरा काम जल्दी से हो गया। तो खैर अब हम यहाँ से हमको चलते हैं वापस घर की ओर, एक छोटा सा राइड हो गया 10-12 किलोमीटर का। अब यहाँ से हम चलेंगे सीधा घर और जाएंगे, लैपटॉप लेके आए हैं, लैपटॉप का मेमोरी पूरा फुल हो गया है, तो उसको हम सर्विस सेंटर में जाकर देंगे, थोड़ा सा कुछ 3-5 ओकर कर देगा, मेमोरी बढ़ जाएगा। और बजट उतना है नहीं इस महीने जो हम SSD कार्ड लगवा लें या फिर RAM बढ़वा लें। हाँ, मेरा प्लान बहुत पहले का था कि ये सब करना है, लेकिन अभी तक तो हो नहीं पाया और मेरे ख्याल से अभी होगा भी नहीं, बड़ा टाइट शेड्यूल चल रहा है। अभी इसका 8,000 ले लेगा, ये वाला बाइक का जो लिए हैं इंस्टॉलमेंट उसका 8,000 रुपया अभी ले लेगा, तो उसमें 8,000 रुपया अकाउंट में रखना पड़ेगा ना, सारा पैसा ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। पिछला महीना घर चले गए थे तो उसमें भी सारा शॉपिंग वॉपिंग में ख़त्म हो गया पैसा। घर जाने से यार तुम चाहे मानो या मत मानो सेविंग हो नहीं पाता है। तो हम लगा देते हैं यहाँ से टाइम लैप्स, थोड़ा सा वीडियो एंजॉय करो और बस रेगुलर वीडियो हम ट्राई करेंगे मोटो व्लॉगिंग का या फिर कुछ भी मिला जुला व्लॉग सब करते हैं, देखते हैं कितना टाइम हमको मिलता है। हालांकि हम सोच रहे थे कि थोड़ा स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में भी थोड़ा सा टाइम गंवाएँ उधर, लेकिन उसके लिए कैपिटल चाहिए और कैपिटल मेरे पास अभी फ्री है नहीं। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा टाइम लैप्स लगा देते, तुम देखो एंजॉय करो और बस बाकी सब तुमको पता ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब मोह माया है। अगर जीवन रहा तो फिर मिलेंगे।